सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवसी लव एवरीवन। सो आज हम जानेंगे कि आपकी मसल्स हमेशा फिट कैसे रहें और आप अपने मसल्स को स्ट्रांग कैसे रख सको हमेशा, ठीक है। और आपकी मसल्स अच्छे से फंक्शन करें और मसल्स क्या होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। सो पहले बात करते हैं मसल्स क्या होती हैं। तो आपको पता होगा आपकी बॉडी में बेसिकली बोन्स होता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा है बोन्स होता है, मसल्स होता है, नर्व्स होता है, नसें, ठीक है, हड्डियाँ। मसल्स को बोलते हैं हिंदी में मांस, ठीक है, मांस बोलते हैं इसे, ठीक है। और ब्लड खून, ठीक है, और स्किन टिश्यूज होते हैं, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट लंग्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपकी बनी हुई हैं, बॉडी आपकी बेसिकली बनी हुई है सेल से, ठीक है। आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। बहुत सारे बिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। सेल्स फिर बनाते हैं टिश्यूज़ को, फिर टिश्यूज़ आपके इंटरनल ऑर्गन्स, ऐसे ही आपका पूरा है। अगर आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चलेंगी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और ये सारा प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है जब आपका बेसिकली इवोल्यूशन हो रहा होता है, जैसे कि जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जैसे फीमेल का स्पर्म जो है वो फीमेल एग को जब फर्टिलाइज करता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक न्यू बॉर्न का जन्म होता है और उसका जेंडर क्या होगा ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। एक्स वाई होगा, अगर एक्स वाई होगा तो ये होता है बॉय, ठीक है, या मेल, ठीक है, ये मेल चाइल्ड है। एक्स एक्स है तो ये गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, ये फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो मसल्स के बारे में पहले क्या होता है, ठीक है। सो द मस्कुलर सिस्टम, आपको पता होगा कि जैसे बोन है तो बोन का सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। उसके बारे में भी जल्दी बात करेंगे हम लोग, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसल्स की बात करें तो ये होता है मस्कुलर सिस्टम। और वैसे ही अगर इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं तो आपको बताया था मैंने किसी वीडियो में कि होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आपके लंग्स होते हैं, ठीक है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नहीं कार्डियो नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वो भी एक ही बात है, ठीक है। और आपका हो गया आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपका किडनीज आता है, लिवर आता है, ठीक है, जो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें आपके सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। मैंने क्या कहा, सेल्स, बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, ठीक है। तो मसल्स भी किससे बने होंगे? जाहिर सी बात है सेल से बने होंगे, जब हर चीज, जब आपकी पूरी बॉडी ही सेल से बनी है तो मसल्स तो एक पार्ट है ना बॉडी का, ठीक है, तो वो भी सेल से बना होगा। लेकिन इसको बोलते हैं स्पेशलाइज सेल से बनते हैं, जिसको बोलते हैं मसल फाइबर्स को। हर चीज जो बनती है, ठीक है, वो स्पेशल तरीके से आपकी बॉडी बेसिकली बहुत क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं जिस तब आपकी बॉडी बनती है, ठीक है। हर इंटरनल ऑर्गन पे अगर आप स्टडी करने बैठोगे तो अभी भी रिसर्च हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी हम लोग को नहीं पता है। तो हमें जितना पता है हम उसके हिसाब से अगर अच्छे से अपने आप को रखेंगे, लाइफ स्टाइल अच्छा रखेंगे, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी बस, ठीक है। सो पहले मसल सिस्टम को समझते हैं। द मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स, फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स को पता है फाइबर किसे कहते हैं? फाइबर्स होता है ग्रुप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, फाइबर्स को बेसिकली बोल सकते हो ग्रुप नेटवर्क, ठीक है। जैसे फाइबर आपने सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर्स, तारें, ठीक है, तार, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स होता है जिससे इंटरनेट कनेक्ट हो किया जाता है, ठीक है, इंटरनेट काम करता है, जैसे ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सेल्स जो होते हैं ऐसे ही आपके फाइबर्स को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मस्कुलर, ठीक है, मसल्स इससे बन जाती हैं, ठीक है, मसल्स बन गई आपकी। सो यहाँ पे देखो, प्रीडोमिनेंट फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है, मसल्स आपकी क्या कर रहे हैं, बेसिकली मसल्स हमेशा एबल टू आपको क्या करें, एबल टू मूव, ठीक है, अच्छे से आप मूव कर सको, ठीक है, अपने हैंड को मूव कर सको, अपने डेली टास्क को परफॉर्म कर सको, उसमें हेल्प करें मसल्स, ठीक है। और हड्डियाँ क्या है, बेसिकली हड्डियाँ लिटिल बिट क्या है, स्ट्रिक्ट है, मतलब कि सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर सॉफ्ट हो जाएंगी तब तो फिर आप चल ही नहीं पाओगे, ठीक है। हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए ना, हड्डी टूट जाती है तो देखो कितना नुकसान हो जाता है, कोई उठ बैठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, ठीक है। सो वैसे ही मसल्स, लेकिन क्या है, मसल्स कभी नहीं सुना होगा कि उसकी मसल टूट गई, ठीक है। मसल्स अगर टूटती भी है, जैसे वर्कआउट करते हो तो मसल टूटती है आपकी, बाइसेप मसल टूटती है, लेकिन वो नाइट में जब आप सोते हो तो रिकवर कर जाती है, ठीक है। सो मसल्स क्या है, अगर मसल्स बेसिकली आपको ये समझना होगा कि मसल्स अपने आप रिकवर कर जाती है, ठीक है। अब देखो क्या है ये, कॉन्ट्रैक्टिंग यानी सिकुड़ना कॉज मूवमेंट, मूवमेंट बनाने के लिए। दिस मूवमेंट मे बी वॉलेंटरी, मीनिंग द मूवमेंट इज मेड कॉन्शियसली। वॉलेंटरी मूवमेंट क्या होता है, जो हम हमारे दिमाग को पता हो, ठीक है, ब्रेन के द्वारा गवर्न किया गया हो, और इनवॉलेंटरी यानी हमें नहीं पता हो, ठीक है। जैसे सांस ले रहे हो, आप सांस लेते हो तो आपके दिमाग को क्या पता है सांस ले रहे हो, ठीक है,
आपको तो पता है कि हाँ सांसें चल रही हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जब आप सो जाते हो, जब आप होश में नहीं होते हो, अपना सो रहे हो तब भी तो सांस चलती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, तो सांस लेना बेसिकली दोनों प्रोसेस है, वॉलंट्री भी कह सकते हो, इनवॉलंट्री भी कह सकते हो, ठीक है। सांस लेना बेसिकली ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अगर ये बंद हो जाएगा तो आपकी लाइफ खत्म, डेंजर में आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसा समझ सकते हो, द मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज ऑफ स्पेशलाइज सेल्स, मसल फाइबर्स हो गए, मसल्स अटैच टू बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स फॉर मूवमेंट, ठीक है। सो यही है, मसल्स का काम क्या है, हर अलग इंटरनल ऑर्गन से लिंक करना, बोन्स को लिंक करना, ताकि वो क्या करें, मूवमेंट प्रोवाइड कर सकें। मसल्स का काम क्या है, आपको अच्छा मूवमेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और आपकी बॉडी बनी किसके लिए है, मूवमेंट के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से बचें, सेडेंट्री यानी कि एक ही जगह बहुत देर तक बैठे रहना, ठीक है। 5-6 घंटे तक आप बेड पर लेटे हो, वैसे रात में की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 घंटे आप सो आराम से, ठीक है, आराम से सेडेंट्री सो, लेकिन उसके बाद डे टाइम में थोड़ा चलना फिरना चाहिए, एक जगह चेयर पर 3 घंटे तक बैठे लगातार मत बैठो, ठीक है। लगातार बैठने से मसल्स में बेसिकली वीकनेस आती है, आपका बेसिकली नर्वस सिस्टम भी थोड़ा वीक होने लगता है, और आपके नेक वगैरह में पेन भी आता है, ठीक है, बैक पेन इसी से होता है, बहुत लॉन्ग आवर्स तक जो लोग सेट करते हैं। तो थोड़ा सा चलते फिरते रहना चाहिए, बॉडी हमेशा बनी थी मूव करने के लिए आपकी, ठीक है। सो ये चीज़ जानो, थोड़ा साइंस है ये। मसल्स अटैच टू बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, नियरली ऑल मूवमेंट इन द बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आप चलते हो, फिरते हो, बोलते हो, ठीक है, आप बोल किसकी वजह से रहो, ठीक है, आप अपनी टंग की वजह से बोल रहे हो, टंग किससे बनी है, मसल से बनी है भाई, ठीक है। और आपके जो जॉ है, आपका जो हर चीज़ में मसल्स ही तो हैं, हर जगह मसल्स हैं आपके, आपके फेशियल मसल्स हैं, आपके नेक में भी मसल्स हैं, तो हर जहाँ जहाँ भी मसल है, जैसे आप नेक को रोटेट कर रहे हो, राइट लेफ्ट कर रहे हो, अप डाउन कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, मसल के थ्रू ही तो होती है ना। अगर मसल कहीं पर भी वीक पड़ जाएगी तो वो प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा, तभी आप देखोगे जिसकी मसल वीक हो जाती है वो लोग मतलब कि उठ बैठ नहीं पाते, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी हिप मसल्स वीक हो गई, बहुत वीक हो गई, जैसे जो ये सब होता है ओल्ड एज में, ठीक है, ओल्ड एज यानी अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, तो मसल सिकुड़ने लगती है, फेशियल चेहरे पे बेसिकली मसल लटकने लगती है, लूज हो जाती है मसल, ठीक है, लूज नहीं होनी चाहिए मसल, मसल लूज हुई मतलब वीक हुई, ठीक है, हमेशा मसल्स टाइट होनी चाहिए, जितनी मतलब बहुत टाइट नहीं, थोड़ी टाइट रहेगी मसल तो वो स्ट्रांग मसल है, ठीक है। सो ऐसे समझो, ये सब साइंस और फिटनेस का थोड़ा नॉलेज है जो आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान समझो। अब बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे डेवलप करें, जो फिटनेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स यू कैन पुट और द अमाउंट वेट यू कैन लिफ्ट, ठीक है। जो लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या रेगुलर हैवी लिफ्ट करते हैं, उनकी मसल्स आप देख रहे होगी लार्ज होगी, ठीक है, उनमें लीन मसल मास का डेवलपमेंट होता है, लीन मसल मास, ठीक है, लीन मसल मास डेवलप होता है और उनकी मसल स्ट्रांग रहती है। क्यों, क्योंकि वो रोज़ाना क्या कर रहा है, फिटनेस परफॉर्म कर रहा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है अपनी। इसीलिए मैं कहता हूँ रोज़ एक्सरसाइज करो, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होती जाएगी, अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। वैसे मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज सभी को वर्कआउट करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ लॉन्ग हो, और बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज अगर आप बहुत बिजी हो तभी आप एस्केप करो वर्कआउट से, जिम वगैरह से, जिमिंग से, नहीं तो आपको सबको ही 25 ईयर्स के बाद वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। 25 ईयर्स के पहले आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, या मतलब कि थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहो लाइफस्टाइल में, और अगर जिम नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 ईयर्स एज के बाद बेसिकली आपकी मसल्स और हड्डियाँ थोड़ी कमजोर होने लगती हैं, ठीक है, अगर न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, फिर वहाँ पर उस पीरियड में अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा लोगे, जिम करोगे, तो आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाओगे, जिससे आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे फिर आप 70 to 80 ईयर्स में बेसिकली वो चीज़ होगी, मसल वीकनेस होगी, और अगर आप जिम वगैरह नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आप बहुत पहले ही मतलब एजेड हो जाओगे, 50 ईयर्स में ही हो सकते हो, ठीक है। सो देखे हो कि आप लोग जो बड़े बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो लोग बेसिकली यंग दिखते हैं, इंस्पाइट की उनकी एज बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया था, ताकि हर चीज़ को, हर बंदे को वो पता चल सके कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, साइंस कैसे हर चीज़ को आप अपने तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, हर चीज़ को आप बदल सकते हो। सो अगर आप थोड़ी कोशिश करो तो, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, अगर आप आज से ठान लो कि हाँ मुझे पतला होना है, अपनी डाइट को बदल दो, ठीक है, अपने वर्कआउट को थोड़ा बढ़ा दो, अच्छा करो, रेगुलर वर्कआउट करो, आपकी बॉडी धीरे धीरे शेप में आना स्टार्ट हो जाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना बदल सको, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है गाइस। अगर आपका वजन कम है तो आप अपना खाने को अच्छा कर दो, और थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ा दो, हैवी लिफ्ट करना स्टार्ट कर दो, देखो आपकी लीन मसल मास डेवलप हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, और आप नॉर्मल BMI में आ जाओगे, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें, बस करने की बात होती है, जहाँ चाह रहा, ठीक है, वही चीज़ है। मस्कुलर इंड्योरेंस, सॉरी, मस्कुलर इंड्योरेंस इज हाउ मेनी टाइम्स यू कैन मूव दैट वेट विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड, ठीक है, टायर्ड ना हो, ठीक है। यही है कि जितनी देर तक आप बेसिकली आप लिफ्ट कर सको, हैवी लिफ्ट कर सको या वर्क कर सको, ठीक है, उसे मस्कुलर इंड्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एथलीट्स और वेट लिफ्टर्स या स्पोर्ट पर्सन, रेसलर्स में ये सारी चीज़ें बहुत हाई होती है, इसीलिए स्पोर्ट पर्सन को आप देखे होगे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं,
वो लोग ऑल दो बहुत एजेड होते हैं, 50 ईयर्स 55 ईयर्स के होते हैं, लेकिन उनका उनकी बॉडी उनकी फिजिक स्ट्रांग दिखती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिमिंग करते हैं, वो रोज़ जिमिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो 30 ईयर्स के एज तक बस जिम किया उसके बाद छोड़ दिया, फिर अब 60 साल के हो गए अब भी उनकी बॉडी ऐसी रही, ऐसा नहीं है। वो एवरी डे एवरी मतलब अल्टरनेट डे तो करते ही हैं, 4 डेज इन अ वीक करते ही हैं, ठीक है। तभी उनकी बॉडी हमेशा शेप में आ जाती है, उनकी बॉडी टाइट रहती है, उनकी मसल लूज़ नहीं होती, वीक नहीं होती, समझ गए, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज। सो अब मसल बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूज ना हो, इसके लिए पहले आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाना है, सेडेंट्री नहीं रखना है, ठीक है। लिफ्ट करना है वेट, अगर कर सको तो बहुत अच्छा है, इससे डेवलप होगा आपका लीन मसल मास। वर्किंग विथ रेजिस्टेंस बैंड, रेजिस्टेंस बैंड्स बेसिकली मसल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जिससे आपकी मसल टिश्यूज सॉफ्ट वाली टूटती हैं, और जब आप रात में सोते हो अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो तो और मजबूत मसल टिश्यूज बिल्डअप होती हैं, ठीक है, जिससे आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। ये साइंस का प्रोसेस है, यही समझो, यही चीज़ समझा रहा हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू। हैवी गार्डनिंग सच एज डिगिंग स्वेलिंग, जिससे जो लेबर वगैरह होते हैं उनको ये दिक्कत नहीं होती, लेबर वगैरह की जो हेल्थ है, फिटनेस है, वो अच्छी रहती है। किसी भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अपने आसपास देखो कोई भी घर बनाने वाला मजदूर, ठीक है, डेली पे लेबर है जो, ठीक है, जो कि ईंट पत्थर का काम कर रहा है, उसकी फिजिक, उसका वेट कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। होगा भी तो वो मीडियम होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो कभी मोटा नहीं हो सकता। उन लोग में बेसिकली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो लेबर बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बेसिकली मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए वो अगर ज़्यादा भी खा लें तो भी उनको पच जाता है, ठीक है। सो क्लाइंबिंग स्टेयर, सीढ़ी से चढ़ें, ठीक है। आजकल फैशन हो गया है, बड़े बड़े बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग लिफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर भी जाने में भी, फर्स्ट टू सेकेंड फ्लोर ही, ठीक है। हिल वॉकिंग, ठीक है, अगर ट्रैकिंग वगैरह कर सके तो बहुत अच्छा है, वंस इन अ ईयर, ठीक है, वंस इन अ ईयर करें, वंस इन अ 6 मंथ करें, जो जब भी आप पॉसिबल हो, तो इस सबसे भी आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। साइकिलिंग, हाँ, साइकिल रोज चलाएंगे तो इससे आपका हार्ट बेसिकली अच्छा रहता है। साइकिलिंग से मैं बता दूं कि एक रिसर्च ने प्रूव किया है इसको, मैं लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, कि मॉडरेट साइकिलिंग से 15 मिनट साइकिल चला लो, ठीक है, हार्ट अटैक का खतरा जो है 75% कम हो जाता है, 75% लेस चांस ऑफ हार्ट अटैक हो जाता है, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक रहेगा, ठीक है, तो हार्ट अटैक नहीं आता जो लोग रोज 15 मिनट साइकिल चलाते हैं, लेकिन उसके साथ नो सब्सटेंस अब्यूज़ या नो ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स नहीं लेते। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उनको बेसिकली ये सारी चीज़ों का, हार्ट, स्ट्रोक, कैंसर, ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, ये सारी चीज़ों का खतरा पड़ता है, ठीक है, ड्रग्स लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए, अगर लॉन्ग लाइफ चाहिए, ठीक है, लॉन्ग लाइफ के लिए सारी चीज़ें मना है कम्प्लीटली, ठीक है, और डिजीज़ फ्री लाइफ चाहिए अगर, ठीक है। ड्रग्स और अल्कोहल, स्मोकिंग क्या करते हैं, ये सब कॉज करते हैं आपको कैंसर, ठीक है, स्ट्रोक कभी भी हो सकता है गाइस, अगर जितना ज़्यादा आप ड्रग लोगे उतना ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, ठीक है, उतना जल्दी आपको हो सकता है, ठीक है। सिगरेट वगैरह बिल्कुल मत पिए गाइस, ठीक है। आजकल मैं यूथ को भी देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार हो गए हैं वो लोग, ये सब चीज़ें करते हैं, बॉडी वीक हो गई है उन लोगों की, सो ऐसा ना करें गाइस, ठीक है। थोड़े बहुत प्लेजर के लिए आप अपनी लाइफ को मत स्पॉयल करें, आपकी लाइफ कीमती, आपके नेशन के लिए और आपकी फैमिली के लिए भी, ठीक है, सो आप उसको डिग्रेड ना करें। आपके लंग्स हेल्दी हैं, ठीक है, आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छा लंबे समय तक जियोगे, ठीक है। उसको स्मोकिंग से डिग्रेड ना करें, हार्ट को वीक ना करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक जगह पे ना बैठें, और स्मोकिंग और अल्कोहल ये सब ना लें, इस अल्कोहल से तो बेसिकली लीवर डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा लीवर डैमेज होता है, लीवर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, जो लोग पीते वीते ज़्यादा हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें, ठीक है। सो अब देखते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, ये तो थोड़ा हो गया हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बता दिया। अब देखो क्या कह सकते हो, पुशअप करो, सेटअप्स करो, स्क्वाट्स करो, सारी चीज़ें हमने अपने YouTube शॉर्ट्स में बताया हुआ है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या है, उसको ज़रूर देखा करो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। सो मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, अब देखो बात करते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस की बात कर ली, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, ठीक है, हर चीज़ समझो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, ठीक। सो कैसे बढ़ेगी, सो इज़ द एबिलिटी टू एग्जर्ट मिनिमम फोर्स इन वन सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, सच एज लिफ्टिंग अ वेट दैट यू कुड लिफ्ट ओनली वंस बिफोर नीडिंग शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। सो जैसे आप एक पत्थर उठाते हो, ठीक है, आप एक पत्थर उठा रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, आपकी मसल बेंड हो रही है ना उस पत्थर को उठाने में, जब आप अपने हाथ से पत्थर उठाओगे तो फोर आर्म्स, जब ध्यान से देखो, जब आप पत्थर को उठाओगे अपने हाथ से, मान लो ये आपका हैंड है, इससे आप एक पत्थर को उठा रहे हो, ठीक है, सो इसमें आपकी फोर आर्म मसल थोड़ी सी बेसिकली इसमें प्रेशर पड़ रहा है ना, प्रेशर पड़ रहा है तो यहाँ से पत्थर प्रेशर लगा रहा है तो टूट रही है ना, अगर वीक होंगी तो टूट जाएंगी, नहीं होंगी, स्ट्रांग होंगी, अगर आदत होगी तो आपकी उड़ जाएगा पत्थर, ठीक। वैसे अगर आप भारी पत्थर उठा लेते हो तो आपका टूट जाता है, थोड़ा सा टिश्यू टूट जाता है, टिश्यू ब्रेकेज होता है, जिससे दर्द वगैरह होता है, फिर आफ्टर 1 to 2 डेज ये सही हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, फिर ये और स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये और स्ट्रांगर हो जाता है, स्ट्रांगर टिश्यू हो जाता है, ठीक है, स्ट्रांगर टिश्यू फॉर्म्ड,
ठीक, आफ्टर ब्रेकिंग, ठीक है, लेकिन कब बनेगा, जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, ठीक, और आपकी स्लीप अच्छी होगी, ठीक है, रिकवरी में जाती है ना बॉडी, जब आप स्लीप लेते हो 8 आवर्स की, तब बॉडी रिकवर करती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्लीप करोगे अगर 8 आवर्स की तो रिकवरी होगी आपकी, मसल रिकवरी जिसे बोलते हैं जिम के फॉर्मेट में, ठीक है। जिम जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि 7 to 8 आवर जरूर सोना चाहिए ताकि आपकी मसल फिर से दोबारा अच्छे से मजबूत बिल्ड हो सके, ठीक है। सो अब देखो क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ यही है कि आप कितना बेसिकली टायर्ड नहीं हो रहे हो, उठा ले रहे हो, ठीक है, कितना ज़्यादा वेट आप उठा सकते हो, यही है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मत उठाओ, ठीक है, थोड़ा सा ही उठाओ, ठीक है, जैसे धीरे धीरे अगर आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हो, अगर आप जिम जाओगे तो पहले फिर 5 किलोग्राम्स लिफ्ट करोगे, फिर 10, फिर आफ्टर 2 मंथ्स आप 15, 20, ऐसे ऐसे आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स अपनी बॉडी वेट से ज़्यादा ना उठाएं, ठीक है, अगर आप वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स में नहीं है तो फिर आप अपनी बॉडी वेट से ज़्यादा कभी ना उठाएं, अपनी बॉडी वेट से कम ही उठाएं वेट, ठीक है। मस्कुलर पावर क्या होती है, पावर यानी फिर से वही ताकत, रिफर्स टू ग्रेट फोर्स प्रोडक्शन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे उठा के किसी को फेंक देना, जैसे आप मान लो 60 किलो के हो, सामने वाला बंदा 70 किलो का, अगर आपने उसे, और 70 किलो का है, ठीक है, और 70 किलो वाले ने आपको उठा के फेंक दिया, ठीक है, तो उससे क्या है, आप उसकी मस्कुलर पावर ज्यादा है, लेकिन अगर आपने उसको 5 मिनट में उठा के फेंक दिया तो आपकी पावर ज्यादा है। और मान लीजिए एक 80 किलो ग्राम का बंदा है, उसने आपको 60 किलो के जो आपको, उसको 2 मिनट के अंदर उठा के फेंक दिया, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि 80 किलो वाला, 80 किलो वाले की मस्कुलर पावर ज़्यादा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 60 किलो वाले को 2 मिनट में ही फेंक दिया, और 70 किलो वाला कितने में फेंका था, 70 किलो वाला 60 किलो वाले को फेंका था 5 मिनट में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 80 किलो वाला की मस्कुलर पावर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे वेट का कोई वो नहीं है, ये मत समझना कि 80, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसकी मस्कुलर पावर ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि 60 किलो वाला 80 किलो वाले को उठा के फेंक दे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली वेट पर डिपेंड नहीं करता है, वेट का मतलब होता है, हाँ वेट है तो भार ज़्यादा है, लेकिन मस्कल में बेसिकली अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कई बार देखा गया है एथलीट्स में, रेसलिंग वगैरह में, कि बहुत ही नॉर्मल वेट वाले भी उठा लेते हैं, ठीक है, उन क्यों, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनमें ताकत ज़्यादा है, ठीक है। सो उठा के फेंकने में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी बोन डेंसिटी कितनी हाई है, आपकी बोन में ताकत कितनी ज़्यादा है, आपका बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ना, जब ये सब चीज़ें होती हैं, हैवी लिफ्टिंग या लिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ज़्यादा बेसिकली मजबूत होना चाहिए, इसीलिए योगा करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप में ताकत बढ़े, इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग योगा करते हैं, सन्यासी वगैरह, उनमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है शारीरिक, ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, सो कई चीज़ें हैं, साइंस है हर चीज़। सो अब देखो यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बॉडी अलाउज यू टू परफॉर्म मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर पावर विदाउट गेटिंग टायर्ड, अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप जल्दी नहीं थकोगे, अपने डेली टास्क अच्छे से करोगे, अपने डेली टास्क या जॉब अच्छे से कर लोगे, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ हेल्प्स यू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट बाय बर्निंग कैलोरीज एंड एनहेंसिंग योर बॉडी कंपोजिशन विच इज़ द रेशियो बिटवीन फैट एंड मसल, ठीक है, आप में बेसिकली फैट नहीं होना चाहिए, फैट बेसिकली कई डिजीजेस को देते हैं, जन्म देता है, जैसे थायरॉयड, हाई कोलेस्ट्रॉल आपका होगा जिससे आपकी हार्ट पे असर पड़ेगा, ठीक है, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर आपका डेविएट, अच्छा नहीं रहेगा, डिटोरिएट होगा, ठीक है। सो फैट बेसिकली बर्न होना चाहिए, फैट को बर्न करने के लिए आप क्या करो, अच्छे से अपने BMI को चेक किया करो हर महीने, और मसल बिल्डिंग पे फोकस करो, ठीक है, मसल बिल्डिंग जो पर्सन करता है, ठीक है, उसमें फैट नहीं होता, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसमें ताकत होती है उसके शरीर में, ठीक। सो अब देखो बेनिफिट्स ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, वही 4 डेज इन अ वीक वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये बेस्ट प्रोग्राम है, ठीक है, मैंने भी इसे किया हुआ है, मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और मैं अच्छे से अपने डेली टास्क को कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरी बॉडी में बेसिकली स्ट्रेंथ भी है, मैं थकता नहीं हूँ जल्दी, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर एक हेल्दी बॉडी चाहिए आपको, तो रिड्यूसेस बॉडी फैट एंड इंक्रीजेस लीन बॉडी मास, ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, लीन मसल मास आपको बनाना है, ठीक है, मसल मास बनाना है लेकिन लीन मसल मास बनाना है, बल्कअप जो लोग करते हैं, जिनकी मसल आप देखते हो, कुछ लोग जिम के बंदे होते हैं बहुत बड़ी बड़ी मसल बनाते हैं, ठीक है, सो वो क्या करते हैं, बल्कअप करते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिकली प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, इंटेक करते हैं और हैवी लिफ्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो हमेशा बल्कअप वाली एक्सरसाइज करते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी अलग होती है, ठीक है, वो कार्डियो वगैरह नहीं करते, वो सिर्फ मसल को फुलाने वाला काम करते हैं, ठीक है, सो वो अलग चीज़ होता है, लेकिन हेल्दी बॉडी वही होती है जिसमें लीन मसल मास हो, ठीक है, एकदम नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बना सकते हो आप, लीन मसल मास हो और ताकत हो शरीर में बेसिकली, ठीक है। सो सब जब आप जिम करोगे, डिटेल में जानना है तो जिम ज्वाइन ही करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, वैसे नॉर्मल अगर आप होम वर्कआउट भी करते हो तो मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया हुआ है, कुछ एक्सरसाइजेज आप नॉर्मल करो, उससे भी आपकी बॉडी अच्छी रहती है, और फिटनेस में मैं बता दूँ एक चीज़, मैं ये भी बता दूं, मैंने अपने उसमें लिखा भी है यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में कि फिटनेस डजेंट मीन, ठीक है, फिटनेस बेसिकली जो है फिटनेस, ठीक है, फिटनेस डजेंट मीन, डजेंट यानी फिटनेस का कोई मतलब नहीं है, मीन मेकिंग, कि बल्किंग मसल्स आप बनाओ, मेकिंग
बल्की मसल्स, ठीक है। बल्की मसल्स यानी मोटी मसल बना लेने से कोई ये नहीं होता कि वो इंसान बहुत फिट है। फिट होता है कि आपका बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स कितने ज़्यादा मजबूत हैं, कितना अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आप बेसिकली कितने ज़्यादा एक्टिव हो, आप बेसिकली कितने ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है। आप बेसिकली आप में एनर्जी कितनी ज़्यादा है, एनर्जेटिक हो कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है पैरामीटर्स ऑफ फिटनेस के, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसी है बॉडी में, सो ये सारी चीज़ें हैं। मसल बिल्डिंग, मसल को दिखाना तो बेसिकली बस वो देखने के लिए एक तरह से अट्रैक्शन है कि हाँ मसल फुली फुली है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। कई बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाले बंदे भी होते हैं जिनकी थोड़ी सी मसल फैट होता है बहुत बॉडी में, तो उनको नहीं कहा जाएगा फिट है। फिट वही पर्सन होता है जिसका BMI एकदम एक्यूरेट हो, अच्छा हो, और वो बेसिकली ताकत थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेंथ हो उसकी बॉडी में, ठीक है, जो एक्सरसाइज वगैरह कर ले। अब देखो अलग चीज़ बताता हूँ कुछ। एनर्जी लेवल्स आपका बढ़ जाएगा, मसलकुलर स्ट्रेंथ और एक्सरसाइज करोगे अगर, ये सब सब आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, उसमें सर्च कर सकते हो आप। बेसिकली मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और एनर्जी बिल्डिंग सब सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, फिटनेस, ठीक है, और पुशअप पुलअप सारी चीज़ें बताई रखी हैं मैंने। हेल्प्स यू मेंटेन करेक्ट पोस्चर, पोस्चर आपका बनता है अच्छा अगर आप मसलर स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो, तो क्यों, क्योंकि एवरीवेयर आपकी बॉडी मसल, आपकी बैक मसल्स जितनी स्ट्रांग होंगी उतना अच्छे से आपको अपलिफ्ट करके रखेंगी, ठीक है, ये समझ लो। इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है आज समझा दूँ, किसी ने एक बार कमेंट भी किया था, ठीक है। आज मेटाबॉलिज्म भी समझा देता हूँ क्या होता है। मेटाबॉलिज्म देख लो भाई, मेटाबॉलिज्म मैंने अपने कई यूट्यूब वीडियोज में भी बोला है कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, प्रोसेस होता है एक प्रोसेस ऑफ फूड, ठीक है। फूड जब एनर्जी में कन्वर्ट हो, ठीक है, जब आप खाते हो, फूड कन्वर्टेड टू एनर्जी ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है। जब आप फूड इंटेक करते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, वो क्या होता है, आप माउथ में लिया, वो इंटेक किया, फिर वो नीचे आपके विंड फूड पाइप से नीचे गया, फिर आपका स्टमक में गया, ठीक है। फिर वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और फिर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म वर्ड होता है, इस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें फूड को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के लिए, ताकि आपको प्रोवाइड की जाए आपकी बॉडी को, ठीक है। बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए, ठीक है। सांस ले रहे हो तो भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। बोल रहे हो, स्पीकिंग में भी एनर्जी चाहिए। मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी है, क्यों, क्योंकि मैंने फूड खाया है, ठीक है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, मेरी बॉडी मुझको सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, और आपको एक्सरसाइज करने के लिए तो बिल्कुल चाहिए एनर्जी, ठीक है। हर चीज़ क्या, एनर्जी तो है, ठीक है। अब देखो अलग से एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे। 10 ways ऑन हाउ टू गेट लीन बॉडी विदाउट पुटिंग ऑन फैट, तो फैट को ख़त्म करना है, लीन बॉडी चाहिए, ठीक है। लीन बॉडी का बेसिकली मैं यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैंने डाला हुआ है लीन बॉडी, ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं डाल भी दूंगा। उसे आप बिल्कुल चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा लीन बॉडी होती क्या है, कैसी दिखती है, कैसे बनना है, ठीक है। ये देखो, डू नॉट स्किप आउट ऑन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को मैं बार बार कहता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स में कि आप ब्रेकफास्ट को मत स्किप करें, ठीक है। ब्रेकफास्ट अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका हार्ट बेसिकली स्ट्रांग रहेगा, और बेसिकली आपकी बॉडी में बड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा, ठीक है। फॉलो व्हाट टू ईट टू गेन मसल, ठीक है, वो खाओ जिससे मसल बने, ठीक है। अगर आपको मसल बनानी है, थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, तो मसल बिल्डिंग फूड्स खाओ, जैसे एग हो गया आपका, बनानाज हो गया, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो अच्छी होती हैं हर चीज़ में, और आपका पीनट बटर हो गया, ठीक है, पीनट बटर हो गया आपका। मैंने बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का पीनट बटर भी मैंने कई बार डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी खा सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है वो ब्रांड का, ठीक है। और आपका हो गया प्रोटीन पाउडर, लेकिन प्रोटीन पाउडर तभी खाना जब आप बेसिकली जिम ज्वाइन हो, ठीक है, क्या, और आप मशीन पे एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। उससे मशीन पे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका फैट बर्निंग और मसल टिश्यू जो होता है वो टूटता बहुत जल्दी है, ठीक है, और बहुत ही हैवी लिफ्ट कर रहे हो ना, तो उसमें ताकत बेसिकली बहुत ज़्यादा लगती है, तब आप प्रोटीन पाउडर पचा पाओगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मल बंदा जो थोड़ा सा वॉक कर रहा है, बस थोड़ा सा टहल घूम रहा है, वो अगर प्रोटीन पाउडर लेगा तो उसे वो डाइजेशन में इशू आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रोटीन पाउडर वही ले जो जिम करता हो, ठीक है, और जिम ट्रेनर से ही कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें करो, वही बता सकते हैं कि आप बेसिकली कैसे प्रोग्राम में एनरोल्ड हो, आपको कैसी बॉडी चाहिए। जब आप किसी भी जिम को ज्वाइन करो तो उसको बता दो ना कि मेरा बेसिकली फिटनेस गोल क्या है, ठीक है। फिटनेस गोल बोलते हैं इस टॉपिक, फिटनेस गोल, ठीक है, आपका वेट गेन है, वेट लॉस है, मसल बिल्डिंग है, कौन सा कैसे, या फिर ऐप बनाना है, कुछ भी है, अच्छी सी बॉडी बनानी है, तो वो सब चीज़ें आपको देख करके वो बता अच्छे से बता सकते हैं कि आपकी बॉडी के हिसाब से और आप कितने दिन एक्सरसाइज कर रहे हो उस हिसाब से कौन पीनट आपको कितने टाइम पे लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रोज़ प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कभी कभी लिया जाता है, ठीक है। मैं भी जब जिम करता था मैं कभी कभी लेता था प्रोटीन पाउडर, ऑलमोस्ट ट्वाइस इन मतलब कि 2 दिन में एक बार, ठीक है, ऐसे रहता था मेरा, जब मैं एक्सरसाइज करता था तभी लेता था। डोंट ईट कार्ब्स अंटिल यू वर्कआउट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा चावल ना खाएं अगर वो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो चावल खा के अगर आप बैठेंगे तो आपका पेट निकल जाएगा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। जो एडल्ट मुझसे पूछते हैं, अंकल वगैरह कभी मिलता हूँ तो, कि पेट कैसे कम होगा, सो पेट ऐसे ही कम होगा अगर आप चावल बहुत ज़्यादा खा लोगे, कार्बोहाइड्रेट और
कुछ नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, लेट जाओगे, सो जाओगे, या बाइक चलाओगे या बैठे रहोगे चेयर पे, तो आपका पेट निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो क्या है, चावल में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है। तो चावल में क्या है, राइस में क्या है, स्टार्च है। स्टार्च भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और वो बेसिकली क्या है, उसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जमने वाली प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जमता है, ठीक है, कलेक्ट एक जगह इकट्ठा होता है ग्रुप में, तो वो बेसिकली क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। सो वो लेयर आपके स्टमक में बन जाती है, ठीक है, इसलिए आपका पेट निकल जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है ना, फैट स्टोर हो जाता है। फॉर हेल्दी फैट्स एंड ड्रिंक मोर वाटर, वाटर ज़्यादा पियोगे तो आप यूरिन ज़्यादा करोगे, जिससे आपका यूरिन, बेसिकली यूरिन का कलर होना चाहिए लाइट येलोइश, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क येलो है तो यानी कि आप पानी कम पी रहे हो, ठीक है। और क्रिस्टल क्लियर यूरिन होना चाहिए, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर या लाइट येलो होना चाहिए एकदम, ठीक है। सो हेल्दी यूरिन वही होता है। और ज़्यादा पानी पियोगे, ज़्यादा निकालोगे, मतलब टॉयलेट करोगे सॉरी, तो आपको बेसिकली आपकी बॉडी में फैट जमा नहीं होगा और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है। फैट बहुत ज़्यादा जमा इकट्ठा नहीं होगा, मोटे नहीं होगे बॉडी में, और ब्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में ब्लॉटिंग, यानी जमना, ठीक है, मोटापे का जमना नहीं होगा, ठीक है। फूल होल फूड्स ओवर प्रोसेस फूड्स, होल ग्रेन्स खाओ, मल्टी ग्रेन्स खाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें खाओ। होल फूड्स में बेसिकली आपका ओट्स आता है, सीरियल्स आते हैं, ठीक है। कार्डियो ज़रूर करो, और हो सके तो एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करो, ठीक है, जिससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब एंड करते हैं गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लवसी लव एवरीवन। सो आज आपने समझ गए होंगे कि मसल्स क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और क्या हमने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में और न्यूट्रिशन में, ताकि हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने, और हम हमेशा हेल्दी और फिट रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।